लेक्चर होगा जी। अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, एंड माय टुडे लेक्चर इज फ्रॉम योर बुक फंडामेंटल मैथमेटिक्स, एंड वी सॉल्व टुडे एक्सरसाइज 4.1 विद द रेफरेंस ऑफ स्क्वायर रूट, एंड वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इन दिस एक्सरसाइज बाय यूजिंग द मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड वी सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड दिस इज योर एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम योर बुक फंडामेंटल मैथमेटिक्स पेज नंबर 101, एंड वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, एंड आई होप डेट ऑल द क्वेश्चंस आर हैविंग सेम स्टेप्स एंड सेम मेथड, इनमें कभी भी मेथड या स्टेप ना कम होने या ना ज्यादा। अगर आप एक क्वेश्चन बाय स्टेपिंग अच्छे तरीके से समझ लेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे तो बेटे मुझे नहीं लगता कि कभी किसी भी क्वेश्चन में कोई स्टेप भी कम ज्यादा होगा। ठीक है, अभी हम सिंगल वैल्यूज की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स के साथ होती है, जैसे कि इस प्राइम, ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन है जिसमें मैंने 3 एक प्राइम नंबर था, उस 3 प्राइम नंबर से मैंने इसकी फैक्टराइजेशन को कंप्लीट किया है। इसी तरह हम किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं जिसमें मोर देन प्राइम नंबर आ सकते हैं, जैसे कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कि वर्ड है 324, इसमें मैंने फर्स्ट जो प्राइम नंबर यूज किया वो 2 था और मैंने उसका पेयर भी कंप्लीट किया। इसी तरह आपने भी करना है। और सेकंड जो नंबर है वो है बच्चों मेरे पास, मैंने उसको फिर 3 से किया, और देखो 3 के मैंने यहाँ पर 2 पेयर्स जो हैं वो बनाए हैं। कहाँ है, ठहरे, ये एक, ये देखें 4 3s, दिस वन अ पेयर ऑफ 3 एंड दिस वन आल्सो अ पेयर ऑफ 3। इस तरह यहाँ पर हम पेयरिंग के अंदर जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले थे और सारा काम किया था इसके साथ। अब जो काम है वो हम बुक से कर रहे हैं। ठीक है, बुक पे है एक्सरसाइज 4.1, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड द फर्स्ट नंबर इज 144। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये वाला स्टेप सबसे पहले हमने जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो आप पेज की वन साइड पे 144 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें। ये एक इवन नंबर है इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इवन नंबर है, इवन की स्टार्टिंग ही हमेशा आपने 2 से करनी है। जब आप एक बार 2 से कर लो ना, फिर आपने दूसरी बार भी 2 से ही डिवाइड करना है। आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी नोटबुक में इस प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। फिर अगेन अगर आपने थर्ड टाइम 2 से किया है तो 4 टाइम भी आपने 2 से करना है। इस तरह हमारे पास 2 और 2 के 2 पेयर बन जाएंगे। फिर एंड पे आएगा 9, तो 9 किससे डिवाइड हो रहा है, कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, वो 3 से डिवाइड होगा। और फिर 3 1s are 3। उम्मीद करती हूँ आप सबने ये प्राइम फैक्टराइजेशन अपनी पेज की साइड पे इस तरह सॉल्व कर ली होगी। जब आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लें तो बेटे फिर आपने सबसे पहले लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 इज इक्वल टू, जो भी प्राइम फैक्टर्स आपके इस साइड पे आए थे ना, ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए थे, ये वाले सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स इसके सामने यहां पर लिख दें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब तक हमने क्या किया है, हमने 144 एक नंबर था उसकी हमने की है प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट तब होती है जब एंड पे आता है 1। जब एंड पे 1 आ जाए तो समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गई है। फिर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144, और वो प्राइम फैक्टर्स जो यहाँ साइड पे हमारे पास आए थे वो सारे हमने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके हमने उसके सामने लिख दिए। यहां तक करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। Taking square root on both side. ये लाइन लिखेंगे, taking square root on both side, और हम दोनों साइड पे अब square root लेने लगे हैं। दोनों साइड कौन सी हैं?
एक साइड तो नंबर की है और दूसरी साइड है उसके प्राइम फैक्टर्स की, जो कि उसके इक्वल है। यानी कि अगर आप टू और टू को मल्टीप्लाई करो, टू टूज आर फोर, फोर टूज आर एट, एट टूज आर सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्रीज आर और देन थ्रीज आर, तो 144 आंसर आएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। नाउ टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड के स्क्वेयर रूट का मतलब है कि आपने दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट का साइन यूज करना है। स्क्वेयर रूट का साइन थ्री कॉर्नर्स एग्जैक्ट शेप में आपने ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तीन कॉर्नर, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये साइन ड्रॉ करने का मेथड बताया था कि थ्री कॉर्नर्स के साथ आप इसको बनाओगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर प्राइम फैक्टर्स लिखे, फिर बोथ साइड पे क्या ले लिया है, स्क्वेयर रूट ले लिया है। अब स्क्वेयर रूट लेने के बाद बेटे नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी करनी है पेयरिंग। पेयरिंग के ऊपर ये जो एक छोटी सी लाइन लगी हुई है ना, ये पेयर को शो कर रही है। जैसे आप फिर यही सारे प्राइम फैक्टर्स लिखोगे और टू और टू के ऊपर ये जो एक छोटी सी लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको आपने यहाँ पे डालना है। ये पहला पेयर है, फिर टू और टू का एक और पेयर है, फिर थ्री और थ्री का एक और पेयर है। आप नोट कर रहे हो, हर पेयर के ऊपर एक छोटी सी लाइन स्क्वेयर रूट साइन के नीचे ड्रॉ करनी है, जो कि पेयर को कंप्लीट करेगी। ये स्टेप कर लिया, ठीक है। अब आपने इससे अगले स्टेप में जो पेयर थे उनके ऊपर आपने स्क्वेयर रूट का साइन डिवाइड कर देना है। जैसे फर्स्ट पेयर क्या था, टू इंटू टू, उसके ऊपर एक सेपरेट स्क्वेयर रूट का साइन आएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर आपने टू और टू जो नेक्स्ट पेयर था उसके ऊपर एक स्क्वेयर रूट का साइन लगाना है, फिर जो अगली वैल्यू थी थ्री इंटू थ्री, उसके ऊपर भी आपने स्क्वेयर रूट का साइन लगाना है। और अब हमने पेयर की लाइन नहीं लगानी, पेयर की लाइन इससे पहले वाले स्टेप में लगानी थी, जहां हमने बताना था कि जी हमारे तीन पेयर बन रहे हैं। और फिर उससे अगले स्टेप में जो इस वक्त हाईलाइट है, उसमें आपने तीन स्क्वेयर रूट के साइन अलग अलग पेयर पे डाल दिए, ठीक है। ये स्टेप हो गया। अब उससे अगले स्टेप में बच्चों, ये जो टू इंटू टू है इसका क्या मतलब है, टू का स्क्वेयर, ये देखो, ये जो टू इंटू टू था, या ठहरे मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो टू इंटू टू है स्क्वेयर रूट के साइन के साथ, जब भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं उसका क्या मतलब होता है, स्क्वेयर। इसका मतलब कि हम टू इंटू टू की जगह पे टू स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, समझ आ रही है। इस तरह लिखो, फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और फिर जो अगला पेयर था हमारा, उसमें भी टू इंटू टू था, वो कितना बन गया, टू स्क्वेयर। अगर यहाँ पे फाइव होता तो बन जाता फाइव का स्क्वेयर, जो भी होता। यानी कि जब वही वैल्यू अपनी ही वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है तो वो उसका स्क्वेयर फॉर्म देती है, और साथ में स्क्वेयर रूट का साइन आ रहा है। एंड पे देखें, थ्री इंटू थ्री हमारा नेक्स्ट पेयर था, अब उसको आपने कैसे कंपाइल करना है, थ्री स्क्वेयर उसको बना देना है, ठीक है। आपने उसको क्या बना देना है, थ्री स्क्वेयर। ये हमने स्क्वेयर फॉर्म लिखी। स्क्वेयर फॉर्म लिखने के पीछे एक बड़ा डीप मेथड है, वो डीप मेथड आपको याद भी होगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम में आपको अच्छी तरह याद होगा, मैंने स्क्वेयर रूट का आपको मैथमेटिकल साइन की वैल्यू बताई थी कि 1/2 होती है, और उसके अंदर हम जब स्क्वेयर फॉर्म में लिखते थे तो फिर स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाता था, लेकिन नेवर शो द कट, कभी कट शो नहीं करेंगे आप। क्यों, अंडरस्टूड है कि स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट की मैथमेटिकल वैल्यू होती है 1/2 इन पावर, तो टू टू से कट जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंगल सिंगल वैल्यूज रह जाएंगी, ये वाली जो सिंगल वैल्यूज हैं। अब स्क्वेयर रूट कहाँ गया, स्क्वेयर रूट स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, हर स्क्वेयर रूट स्क्वेयर से कैंसिल, फिर थ्री का स्क्वेयर रूट स्क्वेयर से कैंसिल, टू का स्क्वेयर रूट स्क्वेयर से कैंसिल, सब कैंसिल हो गए, हमारे पास सिंगल वैल्यूज आ गई, टू इंटू टू इंटू थ्री, टू टू आर फोर, फोर थ्री आर ट्वेल्व, क्या आंसर आएगा एट द एंड, 12, टू टू आर फोर एंड फोर थ्री आर 12, ये हमारा यहाँ पर आ गया स्क्वेयर रूट का आंसर, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नाउ द स्टूडेंट्स हु आर लेट कमर्स कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व ईच क्वेश्चन इन दिस मेथड, विद दिस मेथड।